वीरू गुप्ता का नमस्कार। आप देख रहे हैं पूर्वांचल का न्यूज। आज हम मौजूद है जिला संत कबीर नगर के धनघटा में। धनघटा राम जानकी मार्ग पर एक दुकान है जो कि सीएससी जोन है। यहां पर एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है जो भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं और जान के हैरानी भी हो सकती है आपको। इस वीडियो में देखेंगे, अपनी भी बाइक बचा के रखिए क्योंकि घर में ही चालान कट सकता है आपका। तो आप बात करते हैं, एक लोग आए हैं यहाँ पर, इनका क्या नाम रहेगा आपका? राम रेश। इनका नाम राम रेश जी नाम इनका है और ये आए सीएससी जोन पे, जो कि बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। इनकी बाइक जो 57-58 का मामला है, इनकी बाइक घर में पड़ी थी और इनका चालान उसी नगर में जाके कट चुका है। तो चालान कैसे कटा है आपका? चलान हमने तो पता नहीं था, हमारी गाड़ी का चलान कटा है तो हमने किसी का पता अच्छा कोई सर्च करके बताया। वोट कहाँ डालने गए थे? डारे गांव में। कितने दिन पहले? अभी करीब 6 महीने पहले। 6 महीने पहले वोट डालने गए थे डारे गांव में। वहां पर जो कि इनका बाइक अनियंत्रित कारण से कहीं गलत जगह पर खड़ा हुआ था, वहां पर पुलिस वाले ने चालान काटने जा रहे थे, तब तक उनको सर्च किए और तब तक मान चला कि इसका चालान पहले से कटा हुआ है, यही मामला था ना। तो मैं आया घर पर, फिर एक लड़का है वो मोबाइल में सर्च करके देखता है, तो उसने बताया कि हाँ चालान कटी है। तो हम सोचे कि तो हम जो हमारे लड़के थे उनसे भी हमने पूछा तो हमसे तो चालान नहीं कटी, तो हम सोचे कोई लेकर के क्या होगा, वो कटवा दिया होगा, हमको बताया नहीं तो भागना तो हमें पड़ेगा। तो हम आज इनकी दुकान पे आए हैं अजय बाबू के, तो यहाँ पता चला है हमें कि ये जो है कि 57 नंबर की गाड़ी है उसका चालान कटा हुआ है। आपका 58 है? हमारी 58 है। हाँ, तो यूपी 58-8-64-50 है। और ये जिस गाड़ी की चालान जो काटे हैं ये यूपी 57-8-64-50 है और उनकी गाड़ी का जिनका ये चालान कटा है ये आप लोग सीधे सीधे बता सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि गाड़ी का नंबर UP 57-8-64-50 है, लेकिन इनके गाड़ी का नंबर UP 58-8-64-50 है। बस एक अंतर का 57-58 का मामला था। 57-58 मामले में आरटीओ वाले की गलती, एक किसकी गलती है ये तो अभी तक खुलासा हो नहीं पाया है। जांच तो हो रहा है और क्या कहना चाहते हैं, किसकी गलती थी इसमें? आरटीओ की गलती होगी, काटते हैं हमारे संत कबीर नगर, वहाँ उसी नगर में गाड़ी कभी गई ही नहीं। हमारे साथ जो यहाँ के दुकान पे आए थे, यहाँ के जो दुकान स्थायी दुकान है इनका नाम अजय कुमार है, इनसे खास बातचीत करते हैं। किस प्रकार के जो आए थे चाचा जी और किस प्रकार का इनका जो चालान कटा है, जांच में इनके स्थायी जांच में क्या आया है, ये कैसे बता पाए चाचा को कि 57-58 की गलती थी? क्या नाम था आपका? अजय कुमार। क्या मामला था कि चाचा जी आपके दुकान पे आए थे और 57-58 का मामला निकल चुका और जो कि चालान कटा था किसी और की गाड़ी का, इनका घर में गाड़ी था लेकिन इनको ही चालान भरना पड़ रहा है? एक्चुअली चाचा जी हमारे पास है और वो बताए कि हमारा चालान कट गया है। हाँ। और उसका पेमेंट करना है, इनके लाई कर देते हैं। हाँ। वो यार पूछने लगे कि ये किस लोकेशन पे कटा हुआ है। जी जी। तो हमने बताया हमारी लोकेशन को कटा है उसी नगर, उसी नगर का लोकेशन शो कर रहा है। तो हमने बताया आपको 2020 में 6वां महीना में हमने किसी नगर गया था। हाँ। तो कह रहे अभी तक हम किसी नगर देखे ही नहीं है, कहाँ है तो हम जाएंगे कहाँ। हाँ। और वहाँ वहीं पे चालान कटा हुआ। फिर उसके बाद हमने ईमेल को ढूंढ किया। हाँ। जिसमें यह है कि यह पैशन प्रो गाड़ी का चालान है और UP 57 यहाँ पे है। अच्छा अच्छा, गाड़ी कौन सा है? UP 58 है। यहाँ यहाँ UP 57 होना चाहिए जहाँ UP 58 है। यह टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण चाचा जी का चालान कट गया है, पूरी गलती टाइपिंग वाले की है। टाइपिंग जो मतलब की आरटीओ वाली पूरी की पूरी गलती यहाँ पर दुकानदार भी बता रहे हैं और जिनकी बाइक थी वो भी बता रहे हैं कि पूरी की पूरी गलती आरटीओ वाली की है। तो आप भी सजग हो जाइए, आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि आपकी भी गाड़ी का चालान कट सकता है, चाहे आप घर पर रहे, चाहे कोने में रहे, चाहे दिल्ली रहे, चाहे बम्बई रहे, कहीं भी रहे, आरटीओ वाले ने गलती कर दिया। तो आप देख रहे हैं पूर्वांचल तक न्यूज और अभी तक अपडेट पाने के लिए, न्यू अपडेट पाने के लिए पूर्वांचल तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।